एंड यू गो दिस इज सी एसभ रोरा फॉर सी ए फाउंडेशन अकाउंट कैसे हो राजा होप्सो so कल का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और होप आपके सारे के सारे बी आर एस के डाउट्स अब तक क्लियर हो चुके होंगे परफेक्ट विद दिस ये सर बट आज के लिए थोड़ा सा बेर कर लेना शायद रेक्टिफिकेशन और एर का डीपीपी एक हाथ दो घंटा लेट आ जाए बिकॉज मेरा स्केड्यूल बहुत पैक चल रहा है तो शायद उस वजह से एक या दो घंटा डीपी भी आपका लेट आए ये लेक्चर अप्रॉक्सिमेटली चार बजे अपलोड हो जाएगा बट डीपी भी शायद आई एम शायद sure, शायद नॉट श्योर बट थोड़ा सा लेट हो जाए बट आई ट्राई टाइम पे डिलीवर करवा दू परफेक्ट यस सो गुड मॉर्निंग गाइस आई वज रहे सुबह के आठ यस अभी थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे कि पूरा रिकॉर्ड करेंगे डिपेंड्स अपॉन दिस सिचुएशन परफेक्ट यस चलो चैप्टर rectification रेक्टिफिकेशन ऑफ A चैप्टर called रेक्टिफिकेशन ऑफ errors. अब ये चैप्टर अगर आप ऑब्जर्व अगेन जैसे बी आर एस था वैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है दोनों चैप्टर सेम वेटेज लेके घूमते हैं फाइव टू टेन मार्क्स एंड अगर आप ऑब्जर्व करोगे कुछ कुछ में तो दस दस मार्क्स के लिए आए परफेक्ट यस सर ये चल वट आर द टॉपिक्स दैट विल बी कवर टूडे पहली बात यहां तो तीन लिखा हुआ है बट कि भाई एरर्स क्या है? सर एरर्स एक तरह की गलती है या तो हमने जर्नल एंट्री पास करते हुए कोई गलती की है फॉर एग्जाम्पल या तो हमने जर्नल एंट्री रॉन्ग लिखी है जर्नल एंट्री रॉन्ग लिखी है तो वो एक तरह का एरर हो गया और उस एरर को हमें क्या करना है रेक्टिफाई उस एरर को क्या करना है हमें रेक्टिफाई सर इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए आपने फर्नीचर परचेस किया कैश में तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री होनी चाहिए थी बट गलती से आपने क्या एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बट आपने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कह रहे है इसे ये एरर है जर्नल एंट्री का हां सर पास करना था फर्नीचर टू कैश आपने कर दिया परचेज टू कैश एक ये एरर हो गया कि आपने जर्नल एंट्री में एरर कर दिया दूसरा एरर एक सेकेंड पता नहीं कुछ तो भी दूसरा एरर आपने लेजर पोस्टिंग में कुछ एरर कर दिया आपने लेजर पोस्टिंग में कुछ एरर कर दिया एग्जाम्पल के लिए यह करेक्ट एंट्री है फर्नीचर एक काम करते हैं पहला एरर सबको समझा जर्नल एंट्री रॉन्ग कर दिया आपने दूसरा एरर में दूसरे पेज पे लिख देता हूं दूसरा एरर एरर इन जनरल के बाद एरर इन लेजर पोस्टिंग अब यहां पे एग्जैक्टली exactly क्या आ रहा है आपने जर्नल एंट्री तो करेक्ट पास की है आपने जर्नल एंट्री तो करेक्ट पास की है नो डाउट फर्नीचर अकाउंट डेबिट एक लाख रुपए सॉरी टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड अब आप बहुत गम में थे जिस दिन आपने जर्नल एंट्री पास किया बहुत गम में थे तो गम के चक्कर में आपने लेजर पोस्टिंग गलत कर दिया आपने क्या किया लेजर पोस्टिंग गलत कर दिया सर गलत क्या क्या हो सकता है फर्नीचर एरर कुछ भी हो सकता है राजा एरर कुछ भी हो सकता है फर्नीचर डेबिट करना था दस हजार आपने फर्नीचर के डेबिट साइड लिखने के या किस साइड लिख दिया क्रेडिट साइड दस हजार परफेक्ट यस yes. या आपने क्रेडिट साइड लिख दिया एक हजार या आपने क्रेडिट साइड लिख दिया एक लाख होने को कुछ भी हो सकता भाई परफेक्ट यस yes. या फर्नीचर डेबिट करना था आपने फर्नीचर को डेबिट तो किया बट रॉन्ग अमाउंट से किया पहला रॉन्ग साइड करेक्ट अमाउंट रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट परफेक्ट अब करेक्ट साइड रॉन्ग अमाउंट ये भी कर सकते हैं हां सर सर कैश में गड़बड़ हो सकती है yes, ये कैश में भी गड़बड़ हो सकती है तो कहना है जर्नल एंट्री सही है बट कहीं ना कहीं आप लेजर पोस्टिंग में गड़बड़ी कर रहे हो येस yes, सर कहीं ना कहीं हम लेजर पोस्टिंग में गड़बड़ी कर रहे हैं परफेक्ट यस सर तीसरा एरर हो सकता है ट्रायल बैलेंस में जब आप फिगर लेके जा रहे हो तब आपने गड़बड़ी किया हो ट्रायल बैलेंस में जब आप फिगर लेके जा रहे हो तब आपने गड़बड़ी किया हो गड़बड़ी कभी भी हो सकती है कहीं भी हो सकती है सावधान रहे सतर्क रहे आपका विश्वास बना रहे चलो ध्यान दो आगे बढ़े यस सर तो सर कहां का एरर हो सकता है जर्नल एंट्री में भी एरर हो सकता है लेजर पोस्टिंग के वक्त भी एरर हो सकता है जब मैं बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लेके जा रहा हूं तब भी एरर हो सकता है एरर इज पॉसिबल एनी तो मुझे क्या क्या करना है आपको सिर्फ एरर को रेक्टिफाई करना है सर कैसे एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं स्लो एंड स्टडी रेस पहला अगर आपका एरर ट्रायल बैलेंस के पहले हुआ है मतलब आपका एरर या तो जर्नल एंट्री पास करते हुआ है या तो लेजर पोस्टिंग करते वक्त हुआ है परफेक्ट यस yes. तो कहना है इसे ट्रायल के पहले हुआ है ये yes, सर तो अगर टू साइड एर है अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना आई डोंट बिलीव इन मेकिंग थियरी अब क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसको क्या करना है और जो रेक्टिफिकेशन एरर्स की थियोरी है वो कहां पे आएगी आपकी लेक्चर नंबर 18 पूरी थियोरी कहां पे कवर होने वाली है लेक्चर नंबर 18 वन शॉट लेक्चर हो सकता है वो लेक्चर पांच घंटे का हो, हो सकता है हो, लेक्चर सात घंटे का हो बट जब जब आप वो लेक्चर उठाओगे आपकी आज तक की थियोरी पूरी कवर हो जाएगी उसमें तो आपको बार 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 वीडियोस खोलने की जरूरत नहीं है थियरी वन शॉट एक जगह आएगी पूरी परफेक्ट यस yes. चल एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझते पूरा द फॉलोइंग एर ठंड लग रही आज द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स गिफ्ट नेसेसरी एंट्री टू रेक्टिफाई द सेव फाइव हंड्रेड पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू परचेज अकाउंट हुआ क्या है सर पहले वो देखते हैं सर रॉन्ग एंट्री आपकी हुई है रॉन्ग एंट्री आपकी हुई है पहले केस में फर्नीचर परचेज किया बड़ा आपने क्या मान लिया नॉर्मल गुड्स एंट्री क्या हो गई है परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर सर टू फर्नीचर नहीं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ये आपकी रॉन्ग एंट्री है यस सर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए सर करेक्ट एंट्री तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश ये हमारी करेक्ट एंट्री है परफेक्ट यस सर रॉन्ग क्या हो गई परचेस टू कैश करेक्ट क्या है फर्नीचर टू कैश अब हम सर रेक्टिफाई कैसे करेंगे एकदम बेसिक से ये आपकी रॉन्ग एंट्री है रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल कर दो रॉन्ग एंट्री का रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल कर दो सर रिवर्सल का मतलब क्या रॉन्ग एंट्री में जो क्रेडिट है उसे डेबिट में लिख दोगे और जो डेबिट है उसको क्रेडिट में लिख दोगे यस यस सर पाँच सौ पांच सौ थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है मैं रॉन्ग एंट्री यहां पर लिख देता हूं नेक्स्ट शीट में थोड़ा अपन स्पेस प्रॉपरली अकोमोडेट कर लेंगे यस yes, सर तो कैश रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट था तो हमने कैश अकाउंट क्या कर दिया डेबिट एंड परचेज डेबिट था तो परचेज अकाउंट को क्या कर दिया हमने क्रेडिट एवरीवन वन वेल गाइस एक बार समझो और खत्म करो एक बार समझो और खत्म करो अब ध्यान दो बेटा यहां पे। एवरीवन वन कॉन्सेंट्रेट क्या कैश डेबिट है 500। सौ यस सर क्या कैश क्रेडिट है 500। सर हमको इसको भूल जाना है अब इसको भूल जाओ ठीक है आपने रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल कर दिया अब रॉन्ग एंट्री को भूल जाओ हम रॉन्ग एंट्री के रिवर्सल पे खड़े ये साइड आप भूल जाओगे अब आपके पास कौन सी दो तो एंट्री है ये और ये क्या कैश डेबिट है पांच सौ से यस yes, सर क्या कैश क्रेडिट है पांच सौ से यस कैश डेबिट और कैश क्रेडिट आपस में कट जाएगा अब बचा क्या फर्नीचर अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट क्रेडिट तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या हुई परचेज सॉरी रेक्टिफाइड एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट क्रेडिट इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको रॉन्ग एंट्री क्या हुई है समझ में आना चाहिए और करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए अगर ये समझ रहा है तो वेल एंड गुड तो ये चैप्टर आपको जमेगा राजा और इन केस आपको यहां पे थोड़ा भी डाउट है लेक्चर नंबर वन बेसिक्स ऑफ अकाउंट जर्नल एंट्री लेक्चर नंबर टू लेजर पोस्टिंग ये देखे बिना मत आना यहां पर राजा बिकॉज अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती है दिस चैप्टर विल बी द टफेस्ट चैप्टर और मैं यहां कुछ हेल्प नहीं कर सकता राजा जर्नल एंट्रीज आपको सिखा सकता हूं बट आई से रियल पर्सनल यहां वो सब नहीं बातें हो सकती सॉरी राजा तो आपको कहां जाना पड़ेगा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के लेक्चर में जर्नल एंट्रीज का लेक्चर देख के आओ जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली करो लेजर पोस्टिंग समझो और फिर यहां पे आओ परफेक्ट यस बट आई एज्यूम आपको अभी तक आ गई होगी आप सीए फाउंडेशन में आपकी उतनी मेच्योरिटी आ चुकी है परफेक्ट यस सर चलो पहला हो चुका है आपका अब सेकंड में चलते हैं अब थोड़ा अपन प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज करेंगे रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट अच्छा आपने रिपेयर करवाया तो एंट्री क्या होनी चाहिए सर चलो लिखते हैं सेकंड रॉन्ग एंट्री सर रॉन्ग एंट्री क्या हुई है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश सर आप कैश क्यों एज्यूम करो आप बैंक भी अज्यूम कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है पचास पचास क्लियर बेटा ये यस सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश दिस इज द रॉन्ग एंट्री आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सबको क्लियर है वापस पढ़ते क्वेश्चन ने क्या बोला है रिपेयर्स वो मेड बट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट रिपेयर एक खर्चा है तो कहा जाना चाहिए था रिपेयर अकाउंट के अंदर बट आपने उसे कार्ड डाल दिया बिल्डिंग अकाउंट में तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट हो क्या गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्या करोगे सर कुछ नहीं सीधा हिसाब है, है. रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल सर कैश यहां पे क्रेडिट है तो कैश यहां पे क्या हो जाएगा डेबिट कितने से डेबिट होगा पचास टू बिल्डिंग अकाउंट पचास सॉरी हाँ परफेक्ट यस yes. अब मेरी ध्यान दो राजा यहां पे रॉन्ग एंट्री को भूल जाओ रॉन्ग एंट्री को भूल जाओ अब आपके पास दो एंट्रीज पड़ी है यस सर कैश डेबिट हो रहा है पचास से और कैश क्रेडिट हो रहा है पचास से इस एंट्री को भूल जाओ अब आपके पास दो एंट्री बची है रॉन्ग एंट्री रिवर्सल और करेक्ट एंट्री अब क्या बचा है फाइनल में सर फाइनल में बचा है हमारे पास फाइनल दैट इज योर रेक्टिफाइड एंट्री योर रेक्टिफाइड एंट्री इज रिपेयर अकाउंट डेबिट पचास टू बिल्डिंग अकाउंट पचास एक सेकंड जस्ट लेट मी चेक आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है फॉन्ट तो छोटा नहीं हो रहा है मेरे को स्क्रीन के आगे जाना पड़ेगा थोड़ा यस mm, विजिबिलिटी yes, तो है यस yes, विजिबिलिटी तो है परफेक्ट चलो नेक्स्ट इस पे चलते यस सर रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री अगर आपको आ गई तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल कट्टम कुट्टी रेक्टिफाइड एंट्री चलो अब तीसरे पे चलते हैं अमाउंट ऑफ हंड्रेड विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट सर हुआ क्या है मालक ने विद्रॉ किया तो एंट्री होनी चाहिए ड्रॉइंग डेबिट टू कैश बट हुआ क्या हमने किसको डेबिट कर दिया है ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश सबको समझ रहा है सर क्या हो चुका है सर हुआ यह है कि हमने ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया है जबकि कितने से सौ तो रुपए से जबकि करना कौन से अकाउंट को था क्योंकि वो ड्राइंग्स है तो हमें करना था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होना क्या चाहिए था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो क्या गया ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कुछ नहीं राजा करेक्ट एंट्री वैसी की वैसी रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल सर रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल मतलब कैश अकाउंट डेबिट सौ रुपए टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट सौ रुपए परफेक्ट यस अब क्या करना है कट्टम कुट्टी दो कैश डेबिट कैश क्रेडिट कैश डेबिट कैश क्रेडिट दोनों कट गए अब आपके पास फाइनल में क्या बचा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट सौ रुपए सौ रुपए परफेक्ट यस सर परफेक्ट विद दिस सर हमको काट पीट के इतना समझा कि रॉन्ग एंट्री समझ में आनी चाहिए आपने क्या की है और करेक्ट एंट्री आपको आना चाहिए दैट्स इट मेरे को रीचेक करें मेरे को डाउट जा रहा है यार दिख रहा है क्या दिख जाएगा बच्चों ठीक चल फोर्थ पे चलते हैं मेरे को लगता है थोड़ा स्टेड लिखता हूं बड़ा बड़ा लिखते हैं जान दो थोड़े पेजेस ही बढ़ेंगे बट बड़। समझ में अच्छे से आएगा हंड्रेड पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट सर पहली बात आपकी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है पता करते हैं आपने रेंट पे किया है लैंडलॉर्ड को यस yes. तो आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश सर हम कैश के का बैंक लिख सकते बिल्कुल लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश कितना सौ रुपए सौ रुपए आपने गलती से क्या कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश होना क्या चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होना क्या चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश सर अब हम क्या करेंगे करेक्ट एंट्री वैसी की वैसी लिख रहे हैं तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल सर रिवर्सल मतलब क्या कैश क्रेडिट था तो हम कैश अकाउंट क्या कर देंगे अभी डेबिट एंड लैंडलॉर्ड डेबिट था तो लैंडलॉर्ड को क्या कर देंगे क्रेडिट सौ रुपए सौ रुपए अब क्या बचा सर रॉन्ग एंट्री भूल जाओ रिवर्सल और करेक्ट एंट्री कट्टन कुट्टी करने की बारी चलो राजा ध्यान दो यहां पे कैश डेबिट और कैश क्रेडिट कैश डेबिट और कैश क्रेडिट अब क्या बचा रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी सर रेक्टिफाइड एंट्री बनी है आपकी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट सौ रुपये सौ रुपये परफेक्ट यस सर परफेक्ट यस सर चले आगे सर क्या हम इतनी माथा पीछी करने से बेटर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या क्या हम इतनी माथा पीछी करने से बेटर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कैसे मैं समझाता हूं देखो पहले से फिफ्थ और सिक्स का अपन चालू करते हैं सैलरी ऑफ वन ट्वेंटी फाइव पेड टू बीन डेबिटेड टू हिस पर्सनल अकाउंट अब हुआ क्या है क्लर्क का पर्सनल अकाउंट डेबिट हुआ है क्या डेबिट होना चाहिए था नहीं सर क्या डेबिट होना चाहिए था नहीं सर बट डेबिट हुआ है यस yes. डेबिट को रेक्टिफाई करना है तो क्या करेंगे क्रेडिट क्या हो रहा परेशान होते थे आज दिन चलो क्लर्क का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया होना चाहिए थे क्या नहीं तो क्लर्क के पर्सनल अकाउंट को हम क्या कर देंगे क्रेडिट टू पर्सनल अकाउंट टू क्लर्क पर्सनल अकाउंट हमने उससे डेबिट कर दिया था रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट और किसको डेबिट करना चाहिए था सैलरी क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है ना हमने सैलरी अकाउंट डेबिट करने के जगह किसको डेबिट कर दिया क्लर्क के पर्सनल अकाउंट को परफेक्ट कितने से एक सौ पच्चीस तो सैलरी को डेबिट करो और जो हमने गलती कर दी है उसको रेक्टिफाई कर परफेक्ट यस परफेक्ट ये Perfect? Yes. Perfect? Yes. अब मैंने चार एंट्रीज आपको करके दिखाई विद द फॉर्मेट और एग्जाम में बेटा आपके पास इतना समय थोड़ी रहेगा एग्जाम में तो आपको शॉर्टकट लगा के चलना है बिल्कुल सर और करेंगे अपन इस पे क्वेश्चन क्योंकि शॉर्टकट से आपका आने वाला है आंसर एग्जाम में फट से नहीं तो ये में तो आपका समय खराब हो जाएगा हंड्रेड रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी एंटर टू शो एंड कंपनी सर हमको रिसीव हुआ है शाह एंड कंपनी से तो एंट्री क्या होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट शो एंड कंपनी क्रेडिट शाह एंड कंपनी क्रेडिट सर एंट्री क्या होनी चाहिए एंट्री क्या होनी चाहिए बैंक डेबिट चा एंड कंपनी क्रेडिट ये एंट्री होनी चाहिए बट गलती से गलती से क्या हो गया है बैंक डेबिट तो हुआ है बट क्रेडिट क्या हो गया है शॉ एंड कंपनी क्रेडिट क्या हो गया है एंड कंपनी तो रेक्टिफाई करने के लिए सिंपल है हमने शॉ को क्रेडिट कर दिया रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे डेबिट तो शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह को क्रेडिट करना था तो नहीं किया तो अब रेक्टिफाई करने के लिए कर देंगे शाह एंड कंपनी परफेक्ट यस जो गलती कर दी उसको रेक्टिफाई करो और जो करना चाहिए था वो कर लो लाइक like, सपोज आप एक रिलेशनशिप में हो अब वो एक टॉक्सिक हो चुका है तो क्या वो आपकी गलती है हाँ। रेक्टिफाई करने के लिए स्वाहा रेक्टिफाई करने के लिए स्वाहा तो मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूं क्लियर अब हो क्या रहा है जो गलती हो चुकी है उसको रेक्टिफाई कर लो रेक्टिफाई कैसे करेंगे स्वाहा अब तुम समझ लो स्वाहा चलो आगे बढ़े यस सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉरी इसी एंट्री की लास्ट ये भी हो चुकी है आपकी सेवन सिक्स भी हो चुकी है अब सेवन सेवन हंड्रेड पेड इन कैश फॉर टाइप राइटर चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस सर टाइप राइटर एक एसेट है आपने एक एसेट खरीदा आपने एक एसेट खरीदा लेकिन आपने एसेट खरीदने को क्या मान लिया अपना ऑफिस एक्सपेंस सर ऑफिस एक्सपेंस मान लिया तो हुआ क्या है आपने एक एसेट खरीदा बट आपने उसे क्या मान लिया गलती से ऑफिस एक्सपेंस तो आपने क्या कर दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया टू कैश आपने ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया जबकि डेबिट किसको करना चाहिए था डेबिट करना चाहिए था टाइप राइटर को डेबिट किसको करना चाहिए था टाइप राइटर अकाउंट टू कैश क्या कैश प्रॉपरली गया है बिल्कुल सर गलती कहां पे है ऑफिस में एक काम करो ना आपने गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट सात सौ और क्या आपने टाइप राइटर डेबिट किया था क्या नहीं तो उसको अभी आप डेबिट कर दोगे टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस इज योर रेक्टिफाइड एंट्री सर अभी फॉर्मेट फॉलो नहीं हो रहा क्या बिल्कुल हो रहा है बेटा अगर आपको देखना ये रॉन्ग एंट्री है रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल में कैश डेबिट हो जाएगा ऑफिस एक्सपेंसिस क्रेडिट हो जाएगा कैश कैश कट जाएगा फाइनल क्या बचेगा टू ऑफिस जितना आप कोशिश कर सको डायरेक्ट डायरेक्ट चलो जितना आप कोशिश कर सको डायरेक्ट डायरेक्ट चलो नहीं समझ रहा है फॉर्मेट आपके सामने मैं समझा चुका हूं कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मेट में रॉन्ग एंट्री लिखो करेक्ट एंट्री लिखो रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल करो रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल अब आपने जैसी रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल किया भूल जाओ पहले क्या हुआ है अब रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल और करेक्ट वाली कट्टम कुट्टी जो फाइनल बच रहा है वो आपका आंसर परफेक्ट यस सर तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर नंबर वी डन क्वेश्चन चलो अब आगे बढ़ते हैं एक काम करो स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो ये मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था पहला स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका फट से हो गया यस yes, सर इसका स्क्रीन लो अब ये मैंने तीन चार एंट्री साथ में की है थोड़ा खिचड़ी है यहाँ पे बट स्टिल स्क्रीन शॉट डन इसका लो ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है तो बेटा मेरा काम है आपका पहले समझाना वो कैसे हुआ फिर थोड़ा सा शॉर्टकट फिर और शॉर्टकट परफेक्ट क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है इतना सारा कि आप रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल कुट्टी इतना समय नहीं है राजा परफेक्ट यस टेक अ डन यस सर चल स्टार्ट कमिटेड ये कोशिश करेंगे हम इस क्वेश्चन में कि हम जर्नल एंट्री को कम से कम यूज करें ताकि जो बच्चों को जर्नल एंट्री उतनी अच्छी नहीं आती है वो अच्छे से कर सके परफेक्ट यस सर और जिनको जनल एंट्री आती है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है जिंदगी में चैप्टर में यस yes, परफेक्ट चलते हैं आगे क्या क्या आ गया चलो पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू वन फिफ्टी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन टू द सेल्स बुक हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इंटू द सेल्स बुक मैं बात बताऊ आपने राम से परचेज किया है तो ये कहां पे जाना चाहिए था परचेस बुक में लेकिन कहां चले गया वो सेल्स बुक में सर अगर हमको जनरल एंट्री आती हो या नहीं आती हो इतना तो पता है परचेस हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो हमने किया क्या हमने गलती से सेल्स क्रेडिट कर दिया जबकि हमें करना क्या चाहिए था परचेज डेबिट जबकि हमें क्या करना चाहिए था परचेज डेबिट परफेक्ट यस चलिए सर करते हैं क्वेश्चन सर हमें क्या करना था परचेज अकाउंट डेबिट हमें क्या करना था परचेज अकाउंट डेबिट क्या हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया क्या नहीं सर तो कर दो परचेज अकाउंट डेबिट सर हमने गलती से परचेज की जगह सेल बोल दिया था तो हमने सेल्स अकाउंट क्या होता है क्रेडिट क्रेडिट रेक्टिफाई करना है तो हम क्या कर देंगे डेबिट तो राजा राम को कितना क्रेडिट हो जाएगा टू राम अकाउंट 150 150 कितना जाएगा 150 150 सर ये तो हो गया उनके लिए जिनको जर्नल एंट्रीज नहीं आती परचेज डेबिट होना था बट वो डेबिट हुआ क्या नहीं तो कर दो सेल्स क्रेडिट हो गया गलती से रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर दोगे डेबिट और राम को कितना दे दोगे तीन सौ राम को कितना दे दोगे तीन सौ का क्रेडिट राम को कितना का दे दोगे तीन सौ का क्रेडिट सर इस चीज को हमको जर्नल एंट्री के फॉर्म में बताओ अगर हमने जर्नल एंट्री आती है तो आपकी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है सर रॉन्ग एंट्री हो गई है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये हमारी रॉन्ग एंट्री हो गई है करेक्ट एंट्री क्या है करेक्ट एंट्री क्या है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम करेक्ट एंट्री क्या है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 150 150 150 150 सर करेक्ट एंट्री वैसी की वैसी रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल इफ यू डू रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट और राम डेबिट है तो राम अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट अब सर राम राम काट दो ना राम और राम काट दो पॉसिबल नहीं है राजा बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ क्रेडिट फिगर एंड दिस इज ऑल्सो अ क्रेडिट फिगर क्रेडिट और क्रेडिट कभी कट होते नहीं सर वो हमेशा मर्ज होते हैं क्रेडिट और डेबिट कटते हैं लेकिन क्रेडिट और क्रेडिट कभी नहीं कटेंगे डेबिट और डेबिट कभी नहीं कटेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आया परचेस अकाउंट डेबिट डेढ़ सौ सेल्स अकाउंट डेबिट एक सौ पचास और राम अकाउंट डेढ़ सौ और डेढ़ सौ मिला के तीन सौ एम एक्टर विद सर इसका स्क्रीनशॉट लो ये आपको विदाउट जर्नल एंट्री ये विद जर्नल एंट्री परफेक्ट इसका स्क्रीन शॉट लो आर डन चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे क्रेडिट सेल ऑफ 122 ट्वेंटी टू रमेश रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक रॉन्गली पास थ्रू परचेज अब ध्यान दो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और परचेस हमेशा क्या होता है डेबिट अब हुआ क्या है आपको सेल क्रेडिट करना था बट आपने क्या कर दिया परचेस डेबिट बट आपने क्या कर दिया परचेस डेबिट सर रेक्टिफाई करना है कर देंगे राजा बात है क्या आपके लिए पहले विदाउट जनरल एंट्री सर सेल क्रेडिट होना था हुआ क्या नहीं तो क्रेडिट कर दो टू सेल्स अकाउंट 120 सर परचेज गलती से डेबिट हो गया था तो so, रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर दोगे परचेज अकाउंट क्रेडिट और रमेश का अकाउंट क्या कर दोगे डेबिट और रमेश का अकाउंट क्या कर दोगे डेबिट कितना डेबिट 240 परफेक्ट यस yes. अब जिनको जर्नल एंट्रीज चाहिए उनके लिए सर रॉन्ग एंट्री क्या हुई है परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश ये आपकी रॉन्ग एंट्री हुई है 120 120 सर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परफेक्ट यस अब करेक्ट एंट्री वैसी की वैसी रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल सर रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल मतलब रमेश क्रेडिट है तो रमेश क्या हो जाएगा डेबिट रमेश अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट 120 और परचेज डेबिट है तो परचेस क्या हो जाएगा क्रेडिट अब हिसाब ऐसा है, तो है बेटा रमेश डेबिट है यहां पे भी और रमेश डेबिट है यहां पे भी तो डेबिट डेबिट कभी कटते हैं क्या नहीं सर डेबिट डेबिट कभी नहीं कटेंगे तो बट ऑबियस आपकी एंट्री होगी रमेश डेबिट 240 टू सेल्स एंड टू परचेज परफेक्ट यस सर चलते हैं थर्ड के तरफ ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर स्क्रीन स्क्रीनशॉट लेना है ले लो ले लो स्क्रीनशॉट बेटा चले आगे यस yes. नेक्स्ट, ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी गुड सोल्ड टू द वैल्यू ऑफ थ्री थाउजेंड मैंने थर्टी फर्स्ट डिसंबर को गुड्स बेचा था तीन सौ रुपए का वर रिटर्न बाय हरी सरन विटर्न बाय हरी एंड सरन एंड वर टेक इन इन टू इनवेंट्री बैट नो एंट्री वॉज फास्ट सर गलत की छोड़ो यहां पे तो एंट्री ही पास नहीं हुई है बेटा जब एंट्री पास नहीं हुई है तो क्या कर दोगे एंट्री पास कर दोगे सर जब हम माल बेचते हैं तो सेल्स क्रेडिट होता है और जिसको माल बेचा उसका नाम डेबिट और अगर पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट परफेक्ट यस थर्ड वाला इधर ही कर देता हूं स्पेस है मेरे पास सर जब हम गुड्स सेल करते हैं ऑन क्रेडिट तो एंट्री क्या होती है हरी सरन अकाउंट डेबिट टू सेल्स हरिसरण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अब यही गुड्स अगर रिटर्न आते हैं यही गुड्स अगर रिटर्न आते हैं तो इसी एंट्री का उल्टा सेल्स अकाउंट डेबिट बट मैं बीच में एक वर्ड डाल देता हूं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन ये आपकी क्या हो जाएगी एंट्री कितने की तीन हजार रुपए की कितना तीन हजार तीन हजार यस यस सर इस डन यस सर दिस इज डन परफेक्ट यस ये आपकी थर्ड की एंट्री है चलो फोर्थ पे चलते हैं एंड अमाउंट दो सौ रुपए नहीं दे रहा था तो मैंने उसको बैड माना था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड लिख के खत्म कर दिया था परफेक्ट यस अनएक्सपेक्टेडली पता नहीं गलती से उसने किसी से शादी वादी किया होगा अच्छी रही बच्ची से परफेक्ट तो उसने बोला भाई साहब आपके दो सौ रुपए देना इधर आपके दो सौ रुपए ना हाँ मैं इधर आप पैसे लेके जाओ एंड हैड बीन पोस्टेड टू हिस्स पर्सनल अकाउंट सर यहां तो जर्नल एंट्री लगेंगी राजा यहां तो क्या लगेंगी जर्नल एंट्री चलो सर फोर्थ बैड डेट्स जब रिकवर होते हैं तो एंट्री क्या होती है कैश अज्यूम कर लो कैश में आया है आप बैंक भी लिख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कितना है दो सौ रुपए दो सौ रुपए बट गलती से एंट्री क्या हो गई है कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद अकाउंट टू महेश चंद अकाउंट करेक्ट एंट्री वैसी की वैसी रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल करेक्ट एंट्री वैसी की वैसी रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री सर जो क्रेडिट में वो डेबिट में और जो डेबिट में वो क्रेडिट में तो महेश चंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना दो सौ दो सौ अब बारी है कटम कुट्टी की सर कैश डेबिट क्या इस बार कैश डेबिट है यस सर अब ये कट जाएंगे अब क्या हो जाएंगे कट जाएंगे तो अब आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हुआ रेक्टिफिकेशन एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया जो बचा महेश चंद अकाउंट डेबिट दो सौ रुपए टू बैट डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कितना दो सौ रुपए परफेक्ट यस सर जम गया हमको नेक्स्ट अ चेक ऑफ हंड्रेड रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट पहली बात मेरे बात बताओ इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए सर जब इसने चेक दिया था तो हमने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन ये चेक डिसऑनर हो गया तो मनमोहन अकाउंट डेबिट सर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा यहां जर्निज लगेंगी लगेगी सर बैंक से चेक डिसऑनर हुआ है तो जब हमने चेक डाला था बैंक में तो हमने एंट्री क्या पास किया था बैंक डेबिट मनमोहन क्रेडिट बट अभी चेक डिसऑनर हुआ है मतलब ये पैसा नहीं मिला है तो आपने जो एंट्री मारा था उसका रिवर्सल कर दो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए ये आपकी क्या है करेक्ट एंट्री पर भाई साहब हुआ क्या उन्होंने सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया उन्होंने क्या कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक परफेक्ट यह आपकी हो गई रॉन्ग एंट्री अब करेक्ट एंट्री वैसी की वैसी रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल चलो रॉन्ग एंट्री में बैंक डेबिट हो जाएगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट सेल्स रिटर्न क्या अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट अमाउंट कितना है सर अमाउंट है सौ रुपए अमाउंट कितना है सौ रुपए यस चलो अब कटम कुट्टी की बारी करेक्ट एंट्री वैसी की वैसी रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल बैंक क्रेडिट बैंक डेबिट क्या डेबिट क्रेडिट कट जाएगा ये तो आपकी फाइनल एंट्री क्या बची रेक्टिफाइड एंट्री मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना सौ रुपए सौ रुपए आर वी डन विद दिस यस सर समझा सबको राजा बिल्कुल सर अब जहां बेटा मेरे पास ऑप्शन नहीं है बिना जर्नल एंट्री के समझाने का वहां राजा मैं मजबूर हूं मैं कुछ नहीं कर सकता बट आगे सस्पेंस अकाउंट आ रहा है वहां आपको बहुत मजा आएगा जिनको जर्नल एंट्रीज नहीं आती है उनको बहुत अंदर से लगेगा हा भाई रेक्टिफिकेशन में आ रहा है यस yes, परफेक्ट चलो स्क्रीन शॉट लो इसका ले लिया बेटा यस yes, सर चलते हैं नेक्स्ट रेक्टिफाइर आफ्टर ट्रायल बैलेंस सर रेक्टिफिकेशन कहीं पे भी हो सबसे पहले हमको देखना है क्या वो टू साइडेड है या नहीं अभी तक हमने पिछले दो क्वेश्चन किए क्या वहां पे टू साइड एरर थे यस yes. तो क्या डेबिट वाज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट यस सर आप कोई भी पिछले क्वेश्चन देख लो डेबिट वाज रेक्टिफाइड एंट्री में डेबिट वाज इक्वल टू क्रेडिट डेबिट वाज इक्वल टू क्रेडिट आगे भाई डेबिट वॉज इक्वल टू क्रेडिट डेबिट इक्वल टू क्रेडिट डेबिट इक्वल टू क्रेडिट तो जब जब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है क्या मुझे कोई लेना देना है नहीं सर बट जब डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट और आपको एरर पता चल चुका है बिफोर फाइनल अकाउंट्स, मतलब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो कंडीशन बेटा जब डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट एंड आपको यह एरर पता चल गया है सर हमको तो एरर पता चल गया एरर कब पता चल गया एरर वॉज नोन बिफोर बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें एरर कब पता चल गया बैलेंस शीट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पहले बिल्कुल क्या वो टू साइड एरर है यस yes, सर कोई दिक्कत नहीं सर डेबिट विल इक्वल टू क्रेडिट कोई दिक्कत नहीं बट अगर वो एरर के वजह से आपका सिर्फ डेबिट साइड आ रहा है यानी कि डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट टू इक्वल द सेम मैं क्या यूज करूंगा सस्पेंस अकाउंट मैं क्या यूज करूंगा सस्पेंस अकाउंट इन शॉर्ट जब भी रेक्टिफिकेशन चैप्टर में आपका डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट जितना डिफरेंस है वो कहां डाल दोगे आप सस्पेंस अकाउंट के अंदर वो कहां डाल दोगे आप सस्पेंस अकाउंट के अंदर क्वेश्चन देख के समझते बेटा अब यहां पे आपको बहुत मजा आएगा सेल्स बुक सेल्स मतलब क्या होता है क्रेडिट टोटल हंड्रेड शॉर्ट टोटल हंड्रेड शॉर्ट पहले मैं क्या देख रहा हूं बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट सर हमको कुछ नहीं बोला तो हम सस्पेंस अकाउंट यूज ही करेंगे सर कुछ बोला है तो भी हम यूज करेंगे सर कुछ तो भी लिखा है विदाउट ओपनिंग राजा विदाउट ओपनिंग कुछ नहीं है दो मिनट तो समझा दूंगा ये कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका विदाउट ओपनिंग कुछ नहीं रहता वो सिर्फ जब विदाउट ओपनिंग बोलता है ना तो आपको वो बोलता है कि आप इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे एग्जाम्पल के लिए विदाउट ओपनिंग दे रहा हूं सिंस सेल्स डे बुक टोटल हंड्रेड शॉर्ट देर फोर वी विल एड हंड्रेड रुपीज ऑन द क्रेडिट साइड दिस इज विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट करके बताता हूं और विदाउट ओपनिंग भी करके बताऊंगा चिंता मत करो यस यस सर पहला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विथ सस्पेंस अकाउंट विथ सस्पेंस अकाउंट परफेक्ट ये और सस्पेंस अकाउंट कहां यूज होगा जो एंट्री में डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट तो जिस तरफ कम है उस तरफ हम सस्पेंस अकाउंट लिख के खत्म करेंगे यस yes. पहला सेल्स बुक मतलब सेल्स बुक मतलब क्रेडिट सेल्स मतलब क्या होता है हमेशा क्रेडिट क्रेडिट हैज बीन टोटल हंड्रेड शॉर्ट मतलब आपका क्रेडिट सौ रुपए से कम है रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे सौ रुपए से बढ़ा देंगे रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे सौ रुपए से बढ़ा देंगे तो टू सेल्स अकाउंट सौ रुपए क्योंकि उसने बोला ना क्रेडिट आपका शॉर्ट है सौ रुपए से चल शॉर्ट है मतलब कम है ले बढ़ा दिया क्रेडिट को बढ़ा तो क्या करेंगे क्रेडिट अब क्या डेबिट में कुछ है क्या नहीं सर बट जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों लगते तो यहां पे डिफरेंस का डाल दूंगा मैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट हंड्रेड टू सेल्स अकाउंट दैट्स सेट ये आपकी क्या हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री सेकेंड गुड्स वर्थ वन हंड्रेड फिफ्टी रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी ज बीन नॉट रिकॉर्ड एवरीवेर सर रॉन्ग एंट्री तो छोड़ो यहां पर तो जर्नल एंट्री पास नहीं हुई है जर्नल एंट्री पास नहीं हुई तो पास कर देंगे गुड्स बोथ वन फिफ्टी रिटर्न बाय ग्रीन ने मुझे माल वापस भेजा है अच्छा ग्रीन कब भेजेगा मुझे माल वापस सर जब आप ग्रीन को सेल करोगे तभी ग्रीन आपको माल रिटर्न भेजेगा तो ये क्या हो गया सेल रिटर्न तो ग्रीन ने मुझे कितने का सेल रिटर्न दिया है डेढ़ सौ रुपए का क्या इसकी एंट्री पास हुई है क्या नहीं सर सर सेल क्रेडिट रहता है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा डेबिट सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 150 टू ग्रीन एंड कंपनी सर, क्या डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है क्या आपका बिल्कुल तो यहां पे सस्पेंस अकाउंट आएगा कि नहीं जहां डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट वहां पे क्या आएगा सस्पेंस अकाउंट परफेक्ट यस चलते हैं थर्ड के तरफ गुड्स परचेस टू फिफ्टी सर गुड्स परचेस परचेज क्या होता है डेबिट हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी अब हुआ क्या है आपको क्या करना था सर हमको परचेज अकाउंट को डेबिट करना था बट आपने किसको डेबिट कर दिया गुप्ता एंड कंपनी को सर हमने गुप्ता को डेबिट कर दिया रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर देंगे गुप्ता को क्रेडिट रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर देंगे गुप्ता को क्रेडिट टू गुप्ता अकाउंट ठीक है हमने रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर दिया गुप्ता को क्रेडिट क्योंकि हम उसको क्या कर चुके थे गलती से डेबिट कर दिए थे रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट क्या आपने परचेज डेबिट किया था क्या नहीं तो रेक्टिफाई करना है तो कर दो बेटा परचेस डेबिट तो आपकी एंट्री क्या हुई परचेज अकाउंट डेबिट और गुप्ता अकाउंट क्रेडिट परचेज अकाउंट डेबिट गुप्ता अकाउंट क्रेडिट कितना ढाई सौ ढाई सौ कितना ढाई सौ ढाई सौ परफेक्ट यस सर यहां पे भी सस्पेंस अकाउंट की नीड नहीं है बिल्कुल क्योंकि यहां डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट सर गुप्ता को गलती से डेबिट कर दिया था रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट क्या गुप्ता को क्रेडिट किया था क्या सो सॉरी गाइस मेरा फोन बज गया सो सॉरी अपॉलोजिस्ट फ्रॉम माई साइड गुप्ता को हमने गलती से डेबिट कर दिया था रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर देंगे क्रेडिट क्या हमने परचेस को डेबिट किया था क्या नहीं सर हमने परचेस को डेबिट नहीं किया था तो अब डेबिट कर देंगे परफेक्ट यस सर वापस बोलो गुप्ता को डेबिट कर दिया रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट क्या परचेस डेबिट किया था क्या नहीं तो कर दो परफेक्ट यस चलो नेक्स्ट चलते हैं परचेज फर्नीचर फ्रॉम गुलाब ब्रदर्स कितना एक हजार has been entered to the purchase होना क्या चाहिए था फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था लेकिन हो क्या गया? हो 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 क्या क्या गया? गया. गया? गया. हमने फर्नीचर परचेज किया तो एंट्री करनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब ब्रदर्स बट हो क्या गया गुलाब ब्रदर्स अब मैं बात बताओ क्या गुलाब ब्रदर्स सही है क्या बिल्कुल गलत कहाँ है डेबिट साइड आपने परचेज को डेबिट कर दिया क्या करना चाहिए था क्या नहीं सर क्या करना चाहिए था नहीं तो रेक्टिफाई करने के लिए परचेज क्या कर देंगे क्रेडिट टू परचेज अकाउंट और आपको डेबिट किसको करना था फर्नीचर को तो क्या आपने फर्नीचर को डेबिट किया क्या नहीं सर तो डेबिट कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट सर ये आया कैसे एक बार समझा दो देखो राजा रॉन्ग एंट्री आपके सामने लिख रहा हूं शॉर्टकट में परचेज डेबिट गुलाब एंड ब्रोज क्रेडिट परफेक्ट वॉट इज योर करेक्ट एंट्री द करेक्ट एंट्री इज फर्नीचर डेबिट गुलाब एंड ब्रोज क्रेडिट आप करेक्ट एंट्री वैसी की वैसी रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल परचेस डेबिट हो गया था तो रेक्टिफाई करने के लिए परचेस क्या करेंगे क्रेडिट और गुलाब ब्रदर्स क्रेडिट हो गए तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे डेबिट अब ध्यान दो बेटा आपको किस दोनों को ध्यान देना है करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री रिवर्सल फर्नीचर गुलाब ब्रदर्स डेबिट गुलाब ब्रदर्स क्रेडिट अब क्या बचा आपके पास फर्नीचर डेबिट परचेज क्रेडिट परफेक्ट क्या यहां पे सस्पेंस अकाउंट यूज होगा नहीं सर बिकॉज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट यस नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ दी कैश बुक ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो सर हुआ क्या है हमको डिस्काउंट मिला है रेड एंड ब्लैक से बिल्कुल तो एंट्री क्या होनी चाहिए सर तो डिस्काउंट मिलता है तो कमाई है कमाई मतलब क्रेडिट बट आपने उसको एंटर नहीं किया कहां पे एंटर नहीं किया डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक परफेक्ट अब ध्यान दो मैं इसको लिख के बता रहा हूं होना क्या चाहिए था सर हमें डिस्काउंट मिला है तो टू डिस्काउंट अकाउंट और डेबिट क्या है रेड एंड ब्लैक ने दिया है तो रेड एंड ब्लैक का अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट अमाउंट पंद्रह रुपए अब आपने ये जर्नल एंट्री पास किया आपने ये जर्नल एंट्री पास किया फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होता है लेजर पोस्टिंग नेक्स्ट स्टेज क्या होता है लेजर पोस्टिंग अब लेजर पोस्टिंग में आपने रेड एंड ब्लैक अकाउंट बनाया उनका अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट उनका अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट तो उसके डेबिट साइड आपने कर दिया पंद्रह रुपए परफेक्ट यस बट घाई घाई में आपने डिस्काउंट अकाउंट में डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है

डिस्काउंट अकाउंट और डेबिट किसको कर दोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट पंद्रह रुपए पंद्रह रुपए परफेक्ट यस होना क्या था आपने जर्नल एंट्री पास किया बट आपने लेजर पोस्टिंग में रेड ब्लैक के डेबिट में पंद्रह लिख दिया बट डिस्काउंट के क्रेडिट में नहीं लिखा तो आपका इस वजह से ट्रायल बैलेंस में डेबिट वॉज नॉट इक्वल टू क्रेडिट फिर आपको बाद में चला रही। और डिस्काउंट में तो मैंने पंद्रह रुपए लिखा ही नहीं हट धट तेरी की अब नहीं लिखा तो लिख दो अब डिस्काउंट के क्रेडिट साइड आप पंद्रह रुपए लिख रहे हो तो आपने डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट किया डेबिट में कुछ है क्या नहीं तो मैं क्या कर दूंगा सस्पेंस अकाउंट सर रेड ब्लैक नहीं लिख सकते क्या बेटा रेड ब्लैक आप ऑलरेडी लिख चुके हो रेड ब्लैक आप ऑलरेडी लिख चुके हो सर हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा इन शॉर्ट समझो एक जर्नल एंट्री पास हुई है जर्नल एंट्री में रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट हुआ है रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट हुआ है पंद्रह रुपए से आपने रेड ब्लैक के डेबिट में लिख दिया पंद्रह बट आपको डिस्काउंट अकाउंट के भी क्रेडिट साइड क्या लिखना था पंद्रह क्या भूल के लिखना येस क्या भूल के लिख रहा है यस तो अब लिख लो यहां पे क्रेडिट तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट परफेक्ट यस सर चले आगे राजा यस सर स्क्रीनशॉट ले लो इसका खास करके डन विद स्क्रीन शॉट गाइड्स यस सर अब मैं आपको एक बहुत पते की बात बताता हूं एज पर आईसीआई यह आंसर गलत है क्यों आईसीआई के कुछ अजम्पन्स है अपने अपने जगह आईसीआई कुछ अपने एजम्पन्स है जो वो लेके काम करता है यस बिकॉज इफ यू रीड या वर्ड क्या है नॉट बीड एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम तो मेरा अजम्शन क्या है कि भाई रेड एंड ब्लैक में तो प्रॉपरली हो गया है डिस्काउंट कॉलम में प्रॉपरली नहीं हुआ है बट आई सी ए क्या बोलता है अगर ऐसा लिखा हुआ है नॉट बीन एंट मीन्स नॉट बी रिकॉर्डेड मीन्स नॉट बीन रिकॉर्डेड अगर ऐसा लिखा हुआ है दैट मीन्स नॉट बीन रिकॉर्डेड बात खत्म परफेक्ट यस yes. अब जब वर्ड नॉट बीन रिकॉर्डेड है तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब डिस्काउंट की एंट्री तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है डिस्काउंट की एंट्री तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है तो जो यहां पे लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा आपको इरेज करना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक अ फ्रेश एंट्री आपकी फ्रेश जर्नल एंट्री और आपकी रेक्टिफाइड एंट्री विल बी योर रेक्टिफाइड एंट्री विल बी रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट हम मान लेंगे हम मान लेंगे कि हमको डिस्काउंट मिला है बट हमने उसकी अकाउंटिंग नहीं की है अगर मेंशन कैसा है ऐसा अगर कुछ मेंशन है तो आई रिपीट अगर ऐसा कुछ मेंशन है तो हम मान लेंगे कि डिस्काउंट मिला है और हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया है तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री कितने का डिस्काउंट है पंद्रह रुपए का सर फिर आईसीए आए कब वो मेथड से चलती है जो आपने अभी लिखवाया ध्यान दो राजा अगर उसने साथ में ये लिखा कि डिस्काउंट अलाउड टू जी मनमोहन कंपनी और रुपीज एटीन हैज नॉट बीन एंटर्ड इन टू द डिस्काउंट कॉलम क्या ये भी सेम लाइन है यस हैज़ नॉट ये इन टू द डिस्काउंट कॉलम तो मैंने सोचा हैज़ नॉट बीन एंटर मतलब हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बट आईसीआई ने नीचे से ट्विस्ट इन द टेल दे दिया कि भाई सब द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज बीन हाउ एवर बीन करेक्टली पोस्टेड अगर ये लाइन मेंशन है तो मैं फिर बोल सकता हूं कि यार जर्नल एंट्री प्रॉपर हुई है फिर मैं बोल सकता हूं जर्नल एंट्री प्रॉपर हुई है बट गड़बड़ कहां पे है लेजर पोस्टिंग में बट गड़बड़ कहां पे है लेजर पोस्टिंग में उएवर हाउएवर ऐसा आईसीआई करता है बट अगर आप मैं नहीं मानोगे तो मैं क्या करता था जो इससे पहले मैंने लिख के दिया था मैं दोनों जगह ही मानता था पहला केस हो कि दूसरा केस हो मैं दोनों जगह मानता था कि जर्नल एंट्री करेक्ट है और गड़बड़ कहां है लेजर पोस्टिंग में गड़बड़ कहां है लेजर पोस्टिंग में जर्नल एंट्री करेक्ट एंड गड़बड़ कहा है लेजर पोस्टिंग में बट आईसीआई कैसा मानता है अगर उसने सिर्फ लिखा है नॉट बीन एंटर्ड मतलब क्या माना जाएगा नॉट बीन रिकॉर्डेड बट जब ऐसा लिखता है नॉट बीन एंटर्ड और एकादे बंदे का अकाउंट करेक्टली पोस्टेड बीन करेक्टली पोस्टेड तो मैं मानता हूं आईसीए मानता है कि जर्नल एंट्री सही हो लेजर पोस्टिंग की गड़बड़ है समझ रहा है मैं रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोला जब भी पहली लाइन की मैंने मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूं पहले वाले और दूसरे वाले में फर्क क्या है समझो लाइन पढ़ो एक बार सर पहले में और दूसरे में मोटा मोटी हर चीज सेम है बट सेकेंड वाले में एक ये लाइन अलग से मेंशनड है ये वाली लाइन अलग से मैंशनड है दैट द अकाउंट ऑफ जीमोन हैज बीन करेक्टली पोस्टेड तो अगर सिर्फ प्लेन ऐसा क्वेश्चन गिवन है सिर्फ अगर गिवन है अरे यार क्या हो गया सिर्फ अगर गिवेन है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड ब्लैक नॉट बीन एंटर्ड तो मैं क्या मानूंगा जर्नल एंट्री ही पास नहीं हुई है क्या जर्नल एंट्री पास हुई है नहीं परफेक्ट अगर जर्नल एंट्री पास नहीं हुई है तो आपका रेक्टिफाई करने के लिए टू रेक्टिफाई यू नीड टू पास पास जर्नल एंट्री बट जब हाउ एवर जी मोहन अकाउंट हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। अगर ये लाइन चिपका दिया साथ में अरे रे रे, क्या हो गया बुरा मान गया क्या भाई साहब वैसा, वैसा नहीं क्या हो गया कुछ तो भी हुआ यार एकदम से डर गया मैं एक मिनट रुको आप स्विच पीसी हाँ, देगा भाई साहब डर गया हमसे देखे क्या डर गए कितना आप अब अगर ये लाइन साथ मेंशनड है तो मैं क्या मानूंगा अरे बंद हो जा भाई सब खुलेगा क्या अभी तो मैं क्या मानूंगा कि भाई साहब जर्नल एंट्री प्रॉपर हुई है दिक्कत कहां पे है लेजर पोस्टिंग में दिक्कत कहां पे है लेजर पोस्टिंग में तो रेक्टिफिकेशन यहां पे करना पड़ेगा जर्नल एंट्री बरोबर गई है परफेक्ट यस yes. अब मैंने डिस्काउंट दिया है किसको दिया है जी मोहन को आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए सर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए हमने जर्नल एंट्री पास की है करेक्ट एंट्री होना चाहिए जी मोहन अकाउंट डेबिट टू सर माय बैड आपने कुछ गलत किया क्या गलत है बेटा बताओ मेरे को गलत है डिस्काउंट अलाउड है हमने डिस्काउंट दिया है जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए क्या है वो खर्चा जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए क्या है खर्चा तो खर्चा हमेशा क्या होता है डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन अकाउंट अमाउंट इज अमाउंट इज एटीन रुपीज अमाउंट इज एटीन रुपीज क्या ये जर्नल एंट्री पास हो चुकी है यस सर अब लेजर पोस्टिंग की बारी आई अब लेजर पोस्टिंग की बारी आई अब लेजर पोस्टिंग में हमने जी मोहन के क्रेडिट साइड अट्ठारह रुपए लिख दिया बट हमने डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड अठारह रुपए नहीं लिखा तो लिख दो तो लिख दो तो आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहेगी सर अगर हमने डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड लेजर पोस्टिंग नहीं किया तो लेजर पोस्टिंग कर दो तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट अब राजा आईसीआई का जो अजम्पन है आपको उसी पे चलना पड़ेगा मैं सही कोई और सही नहीं एक ही इंसान सही वो कौन है आईसीए अगर आईसीए ने बोला है कि जब मैं खुद बोलू नॉट एंटर्ड तो आप मानोगे जर्नल एंट्री पास नहीं हुई है पर जब मैं खुद बोलू नॉट एंटर्ड के साथ एक वर्ड यूज कर दू करेक्ट पोस्टिंग तो भाई साहब समझ लेना जर्नल एंट्री बरोबर हुई है बट कहीं ना कहीं गड़बड़ कहां पे है लेजर पोस्टिंग में गड़बड़ कहां पे है लेजर पोस्टिंग में एम आई क्लियर विद दिस यस सर ये दोनों इंपॉर्टेंट मार्क करना ये दोनों इंपॉर्टेंट मार्क करना और मेरे को लगता है यही पे बच्चा गड़बड़ करता है मोस्ट ऑफ द टाइम यही पे बच्चा गड़बड़ करता है मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्ट यस मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए खत्म करो आइए के हिसाब से क्या है ये फाइनल है Not entered, मतलब जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ तो रेक्टीफाई करने के लिए जर्नल एंट्री पास करो बट नॉट एंटर प्लस करेक्ट पोस्टिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो जर्नल एंट्री पास हो गई है बट लेजर पोस्टिंग में आपने जी मोहन को बराबर किया है बट आपने डिस्काउंट अकाउंट को नहीं पोस्ट किया है परफेक्ट यस सर लो स्क्रीन शॉट डन है राजा यस सर वी आर डन अब सर ये तो तामजाम तब था जब आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया जब आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया बट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करके बताओ और उसके बिना भी यस yes, उसके बिना भी परफेक्ट कर लेंगे तो सबसे पहले सेल्स बुक इज टोटल हंड्रेड शॉर्ट तो अगर आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना सस्पेंस अकाउंट नॉट टू बी ओपन आप क्या करोगे सर कुछ नहीं जहां डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट जहां डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट वहां लिख देंगे सेंस सेल्स बुक शॉर्ट बाय हंड्रेड क्रेडिट सेल अकाउंट क्रेडिट सेल्स बुक बाय हंड्रेड यस यस सर अब सेकंड अब सेकंड में तो सर सेकंड में तो सस्पेंस अकाउंट है ही नहीं पहले में था तो मैंने उसके लिए नरेशन लिख दिया मैंने उसके लिए एक लाइन लिख दी सेकंड वाला सेम उठा दो सेकंड वाला आपका एंट्री क्या होगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी जो अमाउंट लिखा है वो अमाउंट लिख देना मतलब जहां हमने लिखा है क्या यहां पे लिखा है हाँ, तो उसके लिए मैंने लाइन लिख दिया क्या यहाँ पे लिखा है नहीं तो ये सेम की सेम एंट्री चिपका दी क्या यहां पे लिखा है क्या नहीं तो आपका थर्ड विल बी सेम की सेम एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता सर तो इन शॉर्ट बोलना क्या चाहते हो इन शॉर्ट ये बोलना चाहता हूं जहां पे सस्पेंस आएगा वहां पे मैं नरेशन वहां पे मैं एक लाइन लिख दूंगा कि मैं कैसा ट्रीटमेंट दूंगा और जहां पे आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट जर्नल एंट्रीज में वो लाइन वैसी की वैसी फोर्थ में भी क्या डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है ये तो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्टली जर्नल एंट्री लिख दूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस यस यस सर और फिफ्थ फिफ्थ का क्या हिसाब किताब है सर फिफ्थ का क्या है यह आपकी फिफ्थ वाली है रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रेड एंड ब्लैक अरे रेड लेवल नहीं रे रो रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट एंड लास्ट बट नॉट द ली सिक्स क्या सिक्स में सस्पेंस है क्या क्या सिक्स एंट्री में सस्पेंस है क्या हाँ सर तो so, यहां पे क्या लिख दूंगा सर यहां पे आप लाइन लिखोगे यहां पे आप क्या लिखोगे लाइन टू रेक्टिफाई द सेम डेबिट डिस्काउंट अकाउंट बस अब कुछ नहीं है बेटा कुछ तो अलग करना था तो कर दिया विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मींस जहां जहां सस्पेंस अकाउंट था वहां सिर्फ मैं लाइन लिख रहा हूं और जहां जहां सस्पेंस नहीं था वो पूरी की पूरी जर्नलिटिज लिख रहा हूं कोई फर्क नहीं है और जब वो बोलेगा विद सस्पेंस अकाउंट तो जहां पे नीडेड है वहां पे क्या डाल दोगे सस्पेंस अकाउंट वहां पे क्या डाल दोगे सस्पेंस अकाउंट परफेक्ट यस चलो स्क्रीन लो बेटा इसका यस चलो इसका लो स्क्रीनशॉट चले आगे यस सर चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त द ट्रायल बैलेंस वॉर आउट बाय फोर नाइनटी थ्री एक्सेस क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में फोर नाइनटी थ्री एक्सेस क्रेडिट है द डिफरेंस डिफरेंट पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट सर इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे मैं आपको पांच मिनट में बताता हूं इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे मैं पांच मिनट में बताता हूं परफेक्ट यस yes. पहला एन अमाउंट ऑफ हंड्रेड वॉज रिसीव फ्रॉम दी दास बट नॉट बट हैज नॉट बीन ओमिटेड सॉरी बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर सर ओमिटेड टू एंटर है मींस बट नॉट बीन एंटर्ड सर जब भी नॉट बीन एंटर्ड आता है हम क्या मानते हैं आईसीए क्या मानता है कि जर्नल एंट्री पास ही नहीं हुई है कि जर्नल एंट्री पास ही नहीं हुआ है तो अगर जर्नल एंट्री पास ही नहीं हुई तो, है तो हम क्या करेंगे जर्नल एंट्री पास करेंगे यस yes? तो कैश रिसीव फ्रॉम दास तो एंट्री क्या हो जाएंगी कैश अकाउंट डेबिट टू दास अकाउंट दास है कि दास बी अकाउंट है टू दी दास अकाउंट टू दी दास अकाउंट सर सौ रुपए कितना सौ रुपए राजा नरेशन डालना मत भूलना बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास ये नरेशन वगैरह डालना मत भूलना मैं अगर नरेशन वगैरह डालूंगा आपका लेंदी हो जाएगा काफी लेक्चर इस आई एम नॉट पुटिंग इट टोटल ऑफ रिटर्न इन्वर्ट सर रिटर्न इन्वर्ट का मतलब क्या होता है रिटर्न इन आया है मतलब किसी ने माल मेरे को वापस भेजा है यस yes, सर तो जब आपने किसी को सेल किया होगा तो माल बाहर क्या होगा अगर सेल रिटर्न है तो माल इन आएगा तो सेल रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज सेल रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ट सर अगर सेल्स में क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न इनवर्ड में कौन सा बैलेंस रहता है डेबिट बैलेंस द टोटल मतलब डेबिट टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड हैज बीन कास्ट हंड्रेड शॉर्ट आपका डेबिट साइड सौ रुपए कम है कम है तो डेबिट कर दो डेबिट कम है तो डेबिट कर दो तो ऑटोमेटिकली तो तो मैच हो जाएगा डेबिट कम है तो डेबिट कर दो यस yes, डेबिट कम है तो डेबिट कर देंगे परफेक्ट बिल्कुल तो इसकी एंट्री क्या पास होगी सर रिटर्न इनवर्ट कम है मतलब डेबिट कम है डेबिट को बढ़ाना है तो क्या करेंगे डेबिट देखो राजा याद रखना डेबिट को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे डेबिट क्रेडिट को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे क्रेडिट डेबिट को घटाना है तो हम क्या करेंगे क्रेडिट और अगर क्रेडिट को घटाना है तो हम क्या करेंगे डेबिट अभी आपका डेबिट साइड सौ रुपए कम है तो यस डेबिट को बढ़ाना है बढ़ाना है तो क्या करेंगे डेबिट रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट क्या क्रेडिट में कुछ है क्या नहीं सर कुछ भी गिवन नहीं है तो इधर क्या आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट क्या आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट कितना सर यह आ जाएगा सौ रुपये यह आ जाएगा सौ रुपए थर्ड सर दर्चेज ऑफ ऑफिस टेबल परचेज ऑफ ऑफिस टेबल कॉस्टिंग थ्री हंड्रेड हैज बीन परचेज थ्रू हैज बीन पास थ्रू परचेज डे बुक होना क्या चाहिए था ऑफिस टेबल डेबिट होना चाहिए था इन्होंने क्या कर दिया परचेज डे बुक को डेबिट कर दिया तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे सर अगर हमको रेक्टिफाई है हमने परचेस को डेबिट कर दिया है तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे परचेस को क्रेडिट और क्या ऑफिस टेबल को डेबिट करना था यस yes. क्या आपने किया क्या डेबिट नो तो हम डेबिट कर देंगे ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट यस यस सर फोर्थ थ्री सेवेंटी फाइव रुपीस पेड फॉर वेजेस टू वर्कमेन फॉर मेकिंग शो केसेस बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट शो केस क्या है फर्नीचर शो केस क्या है फर्नीचर अब आपने फर्नीचर बनाने के लिए आपने लेबर को मेहनत आना दिया आपने फर्नीचर बनाने के लिए लेबर को मेहनत आना दिया तो राजा याद रखना कोई एसेट क्रिएट करने के लिए अगर कुछ खर्चे होते हैं एसेट क्रिएट करने के लिए खर्चे होते हैं तो वो कहां पे जाते हैं फर्नीचर एसेट अकाउंट में ही जाएंगे तो मैं इसको थोड़ा वेरिफिकेशन करके लिख देता हूं फोर्थ को ये होप्स लिख लिया होगा यस yes, सर मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूं फोर्थ वॉट शुड बी द करेक्ट एंट्री करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थे क्योंकि हमने फर्नीचर बनाने के लिए वेजेस दिया है एसेट क्रिएट करने के लिए कोई मेहनताना दिया है तो वो कहां पे जाना चाहिए फर्नीचर अकाउंट में ही कहा जाना चाहिए एसेट अकाउंट में बट आपने क्या किया गलती से आपने उसको डाल दिया वेजेस अकाउंट में आपने कहा डाल दिया उसे वेजेस अकाउंट के डेबिट साइड yes. परफेक्ट आपने वेजेस अकाउंट के डेबिट साइड कहां डालना था फर्नीचर में बिकॉज एसेट बनाने के पूरे के पूरे खर्चे कहां जाएंगे फर्नीचर दैट इज एसेट बनाने के अकाउंट में ही मैंने कुछ तो भी गड़बड़ बोला वापस सुनो फर्नीचर बनाने के लिए आपने वेजेस दिया तो वेजेस कहां जाएंगे फर्नीचर के अंदर ही कभी भी कोई एसेट क्रिएट करना है तो एसेट क्रिएट करने के लिए जो खर्चे है वो कहां पर जाएंगे एसेट अकाउंट के डेबिट परफेक्ट यस अब आप क्या करोगे रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल अब आप क्या करोगे रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल तो कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट कितना है थ्री सेवेंटी फाइव थ्री सेवेंटी फाइव थ्री सेवेंटी फाइव थ्री सेवेंटी फाइव थ्री फाइव एंड थ्री सेवेंटी फाइव अब सर कटम गुट्टी की बारी बिल्कुल कैश डेबिट कैश क्रेडिट कट गया यस yes. अरे मतलब ये दोनों कट गया और कुछ नहीं बात कर रहा हूं ये कट गया चलो तो फाइनल आपका क्या आया रेक्टिफाइड एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री आई आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट कितना 375 कितना 375 परफेक्ट यस सर चलो वी आर डन विद डी आल्सो नेक्स्ट अ परचेज ऑफ सिक्स सेवन बीन पोस्टेड ये कौन सा एरर है पोस्टिंग का एरर मतलब सर जर्नल एंट्री आपकी करेक्ट पास हुई है बट आपने क्या कर दिया गड़बड़ी लेजर पोस्टिंग बट आपने गड़बड़ी क्या कर दिया लेजर पोस्टिंग है चलो एंट्री क्या होनी चाहिए सर एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट और क्योंकि आपने उधार में खरीदा है तो परचेज डेबिट टू ट्रेड पेबल और मेरे को नहीं समझता कि सिक्सटी सेवन रुपीज की क्या उधारी होती बट ठीक है अब आपने लेजर पोस्टिंग करना चाहिए क्या आपने जर्नल एंट्री करेक्ट पास की है यस सर अब लेजर पोस्टिंग पे आते हैं आप किस पे आते हैं लेजर पोस्टिंग पे अब लेजर पोस्टिंग में आपने परचेस अकाउंट बनाया बिल्कुल राजा आपने परचेस अकाउंट बनाया आपने परचेस के डेबिट साइड 67 लिख दिया आपने परचेस के डेबिट साइड कितना लिख दिया 67 सेवन बट आपने क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड सिर्फ कितना लिखा है सिक्सटी रुपीज कितना लिखा है सिक्सटी रुपीज क्या आपने गलत किया है यस सर रेक्टिफाई करने के लिए रेक्टिफाई करने के लिए क्या आपको क्रेडिटर्स अकाउंट में सात रुपए और डालने पड़ेंगे अरे क्रेडिटर्स नहीं है सॉरी ट्रेड पेबल है क्या है ट्रेड पेबल अकाउंट क्या आपको रेक्टिफाई करने के लिए ट्रेड पेबल अकाउंट में सात रुपए और डालने पड़ेंगे बिल्कुल सर सात रुपए और डालने पड़ेंगे क्या डेबिट में कुछ है क्या नहीं सर तो मैं इधर क्या लिख दूंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट सात रुपए सस्पेंस अकाउंट डेबिट जब भी रेक्टिफाइड एंट्री में कोई भी एक साइड में फिगर टैली नहीं हो रहा तो मैं क्या लिख दूंगा सस्पेंस अकाउंट चलो राजा इसका स्क्रीनशॉट लो एवरी वन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डन यस सर अ चेक ऑफ टू हंड्रेड रिसीव फ्रॉम पी सी जोशी हैज बीन डिसऑनर्ड एंड वॉज डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट ले देखे क्या अलाउंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्या नहीं सर अलाउेंस अकाउंट तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था क्या मैंने उसे डेबिट कर दिया यस सर तो एक काम करो ना अगर आपने उसे डेबिट कर दिया है तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर दोगे क्रेडिट तो टू अलाउेंस अकाउंट आपने उसे गलती से डेबिट कर दिया रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर दोगे क्रेडिट और डेबिट किसको कर दोगे जिसने डिफॉल्ट किया पीसी जोशी अकाउंट जिसको डेबिट करना चाहिए था परफेक्ट yes. ये देखो कितना इजी है आपने अलाउंस को डेबिट कर दिया बिल्कुल रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे क्रेडिट और क्या पीसी जोशी को डेबिट करना था यस yes. किया है क्या नहीं तो कर दो कितना अमाउंट है 200 200 नेक्स्ट सेवेंथ ध्यान दो बेटा 1000 वन थाउजेंड पेड वन थाउजेंड पेड फॉर परचेस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त मिस्टर दत्त कौन है ओनर धंधे ने मिस्टर दत्त के मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसा दिया कितना पैसा दिया हजार रुपए तो कहना बट yes, आपने कहा लिख दिया उसे मिस्टलीनियस एक्सपेंस अकाउंट में कहा लिख दिया आपने मिस्ट्रीनियस एक्सपेंस अकाउंट में सर एंट्री होनी क्या चाहिए थी राजा एंट्री होनी चाहिए थी शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा पेश लेके होनी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट एज द केस में भी बट हुआ क्या है आपने कर दिया मिसलिनियस एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट मेरे बाद बताओ करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल क्या होगा रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल क्या होगा रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल सर रिवर्सल ये है कैश डेबिट हो जाएगा और मिस्लिनियस एक्सपेंस क्या हो जाएंगे क्रेडिट परफेक्ट यस अब अमाउंट सेम है क्या बिल्कुल सर एक हजार वन के वन के वन के वन के यस यस सर तब क्या कॉमन है सर कैश डेबिट कैश क्रेडिट तो आपका फाइनल आंसर क्या बना ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट मिस्टर दत्त इज अ ओनर ओनर के लिए बाइक खरीदा धंधे ने तो ओनर के लिए क्या हो जाती है ड्रॉइंग्स फेक्ट यस नेक्स्ट पे चलते हैं ये भी हो गया गुड्स अमाउंटिंग टू हंड्रेड रिटर्न बाय कस्टमर तो कहना है मेरे सेल्स रिटर्न ऑल्सो नोन एज रिटर्न इन वर्ड टेकन टू इनवेंट्री बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफ़ वॉज मेड इन टू बुक्स कस्टमर ने माल रिटर्न कर दिया तो क्या मुझे सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी चाहिए थी येस yes. बट मैंने पास किया क्या नहीं मतलब मैंने जर्नल एंट्री पास नहीं किया तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करूंगा जर्नल एंट्री पास कर दूंगा जर्नल एंट्री पास करना सेल्स क्रेडिट रहता है तो सेल्स रिटर्न कहां होगा हमेशा डेबिट सेल्स रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है सेल्स रिटर्न को ऑल्सो नोन रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट सौ रुपए टू किसको बेचा आपने माल उधार में डेटर को तो टू डेटर अकाउंट सौ रुपए सौ रुपए यस यस अब इसके लिए थोड़ा सा एक बना हैं टेबुलेशन ये हो गया ये इसका है नहीं तो बाद में कंफ्यूजन ना हो ये सब इसी का ये यस चलो लास्ट एंट्री फॉर द क्वेश्चन नाइन्थ बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन ये ये भी हो गया आखिरी ध्यान दो बेटा अच्छा है अ सेल ऑफ टू हंड्रेड अ सेल ऑफ टू हंड्रेड टू सिंग एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट आपने सिंग को माल बेचा आपने क्या किया सिंग को माल बेचा एंट्री वॉज मेड करेक्ट इन सेल्स बुक परफेक्ट यस yes. अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं एक शीट और लगेंगे इसके लिए नाइन्थ हुआ क्या है आपने सिंग एंड कंपनी को माल बेचा तो सिंग एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने का दो सौ रुपए दो सौ रुपए क्या आपकी जर्नल एंट्री सही हुई है यस yes. आप क्वेश्चन बोल रहा है आपने लेजर पोस्टिंग किया है तो आपने सेल्स अकाउंट में सर क्वेश्चन में तो सेल बुक बोला हुआ है बेटा आप सेल बुक को सेल अकाउंट में के चल सकते हो थोड़ा इजी पड़ेगा सेल्स बुक को सेल अकाउंट कैश बुक को कैश अकाउंट डिस्काउंट को डिस्काउंट अकाउंट परफेक्ट थोड़ा बुक्स में कम जाओ आपका दिमाग भस्सम हो जाएगा आप सेल्स बुक है सेल्स अकाउंट मान के चलो आंसर आपका हमेशा सही आएगा मेरी गारंटी है पे क्लियर यस सर तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड आपने दो सौ रुपए लिख दिया परफेक्ट यहां पे कोई दिक्कत नहीं बट आपने क्या किया आपने सिंग एंड कंपनी के अकाउंट को क्या करना था सर हमको लिखना था दो सौ रुपए ऑन द डेबिट साइड क्या आपने दो सौ रुपए ऑन द डेबिट साइड लिखा क्या नहीं आपने क्या कर दिया दो सौ रुपए ऑन द क्रेडिट साइड लिख दिया लिखना कहा था डेबिट में लिख कहा दिया क्रेडिट में अब रेक्टिफाई करना है चलो मेरे को यहां पे, को डेबिट साइड में फाइनल आंसर क्या होना सर फाइनल आंसर होना आपको दो सौ रुपए डेबिट मतलब आपके सिंग में दो सौ डेबिट दिखना चाहिए तो सर पहले तो मैं एक बार दो सौ रुपए लिखूंगा तो दो सौ डेबिट दो सौ क्रेडिट दो सौ डेबिट और दो सौ क्रेडिट ये आपस आप में कट जाएंगे यस yes? क्लियर ये दोनों कट जाएंगे अभी आपका कितना हुआ है जीरो बट आपको फाइनल आंसर क्या चाहिए दो सौ डेबिट तो और एक बार दो सौ लिख दूंगा और एक बार दो सौ लिख दूंगा तो अब 400 डेबिट हो गया और 200 क्रेडिट हो गया तो नेट आपने कितने से सिंह में रेक्टिफिकेशन मारा 400 से मारा कितने से रेक्टिफिकेशन मारा 400 से तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो गई सर आपने गलती से 200 क्रेडिट कर दिया था रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे चार रुपए डेबिट तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना है 400 सौ टू सस्पेंस अकाउंट क्योंकि क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है सर ये ऐसे बेवकूफ क्यों रहते राजा अब देखो करने वाले कुछ भी कर सकते लिखना था डेबिट लिख दिया क्रेडिट तो रेक्टिफाई करने के लिए राजा 200 को क्रेडिट को कन्वर्ट करना है 200 डेबिट में तो चार सौ रुपए लाने पड़ेंगे बहुत दिक्कत है पहला क्रेडिट क्रेडिट से डेबिट क्यों किया फर्स्ट टाइम ताकि ये नलीफाई कर सकूफ इस इफेक्ट को नलीफाई कर सकूं फिर मैंने 200 और लिखा क्योंकि मेरे को चाहिए था सिंह के डेबिट में दो सौ रुपए फाइनल आंसर एक तो कितना लिखना पड़ा चार सौ रुपये सर अब आगे क्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कमिंग नाउ एरिवान पानी नहीं पी लो दो मिनट मैं भी थोड़ा ऐसा पीट ट्वीट कर लेता हूं दुख रही है रिकॉर्डिंग लंबी चल गई थोड़ी सी कोई बात नहीं कल तो आपकी रिकॉर्डिंग में बी आर एस में लग गए फिर मैं रात को बरबर सोया भी नहीं क्योंकि आज का रिकॉर्डिंग था दो दिन के अंदर रिकॉर्डिंग देना बहुत मुश्किल हो जाता है बट स्टिल आपका टाइम पे कोर्स कंप्लीट होगा तो इट विल वर्क बाद में आपका आशीर्वाद हमारा विकास स्टूडेंट्स लोग जिस दिन बोल कि भाई साहब सर आपने थोड़ा सा पढ़ाया था बट शायद वो थोड़े में से मेरे एग्जाम में मार्क्स बढ़ गए तो उस दिन द हैपीएस्ट पर्सन इज मी होप सो यू क्लियर फाउंडेशन अटेम्प्ट दिस डिसबर टू थाउजेंड ट्वेंटी आपका रिजल्ट आएगा फेब में होप सो मेरे को पिंग जाएंगे लोगों के कि सर पास 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 परफेक्ट यस yes. चल अब सर बच्चा क्या है अब मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं यह आपका ट्रायल बैलेंस है पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट अब अज्यूम करो डेबिट साइड है एक लाख रुपए क्रेडिट साइड है अस्सी हजार डेबिट साइड कितने हैं एक लाख क्रेडिट साइड कितने अस्सी हजार अब आपको पता चल गया भाई साहब मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है कहीं ना कहीं कुछ गोची है मेरा ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली नहीं हो रहा है डेबिट साइड कितना आ रहा है एक लाख क्रेडिट साइड कितना आ रहा है बीस हजार कौन सा साइड ज्यादा है डेबिट साइड कौन सा साइड ज्यादा है डेबिट साइड इज हायर तो हाल फिलहाल मैं क्या कर दूंगा सस्पेंस अकाउंट लिख दूंगा ट्रायल बैलेंस में कितने का बीस हजार रुपए का और मैं ट्रायल बैलेंस क्या कर दूंगा टैली सर वैसा वर्षा भी हो सकता है बिल्कुल राजा कभी यह हो सकता है कि आपका एक लाख रुपए क्रेडिट साइड आ रहा है और डेबिट साइड कितना आ रहा है अस्सी हजार डेबिट साइड कितना आ रहा है अस्सी हजार क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है नहीं तो रेक्टिफाई करने के लिए तो हम देखेंगे समय लेंगे बट आज मेरे को ट्रायल बैलेंस टैली करना है यस। yes. तो कहना है इसे मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो सस्पेंस मैंने कहा लिखा ऑन द डेबिट साइड सस्पेंस मैंने कहा लिखा ऑन द डेबिट साइड जब डेबिट ज्यादा रहेगा इन शॉर्ट डेबिट ज्यादा है देन सस्पेंस में क्रेडिट आएगा और अगर क्रेडिट ज्यादा है देन सस्पेंस में क्या आएगा डेबिट बैलेंस सस्पेंस में क्या आएगा डेबिट बैलेंस अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन में 493 एक्सेस क्रेडिट है 493 एक्सेस क्रेडिट मतलब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट में कौन सा बैलेंस रहेगा बेटा सस्पेंस अकाउंट में आपका बैलेंस रहेगा डेबिट सस्पेंस अकाउंट में आपका कौन सा बैलेंस रहेगा डेबिट बैलेंस तो ये आपका सस्पेंस अकाउंट डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट ज्यादा है तो मैं कहां लिखूंगा डेबिट में सस्पेंस के डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस 493. यस yes? अब आपका क्वेश्चन के एंड में सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए करे जहां जहां सस्पेंस है देख लेंगे एक एक करके चलते हैं. यहां से क्वेश्चन से क्या यहां पे सस्पेंस है क्या हाँ सर यहां पे सस्पेंस है सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट सौ रुपए मतलब सौ रुपए क्रेडिट लिख के आ जाते सौ रुपए क्रेडिट यस yes? अरे डेबिट में किसका नाम था यार भूल गया डेबिट में किसका नाम है रिटर्न इनवर्ड डेबिट में किसका नाम है रिटर्न इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड सौ रुपए अब नेक्स्ट देखते हैं और कहां पे सस्पेंस है लेट्स चेक इट यहां पे तो नहीं है ये खत्म हो गया क्या यहां पे है नहीं सर रेक्टिफिकेशन एंट्री में नहीं है उसके बाद सर यहां पे है ये रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस डेबिट है सात रुपए क्रेडिट में किसका नाम है ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल सात रुपए ट्रेड पेबल कितना है सात रुपए चलो और पीछे चलते हैं वो हो गया यहां पे आप कुछ सस्पेंस दिख रहा है नहीं सर यहां पे कुछ अभी सस्पेंस नहीं दिख रहा है ठीक है यस यहाँ पे आपका सर यहां पे हमको सस्पेंस दिख रहा है चार सौ रुपए यहां पर कितना दिख रहा है चार सौ क्रेडिट यहां पे कितना दिख रहा है चार सौ क्रेडिट डेबिट में किसका नाम है सिंग एंड कंपनी तो क्या आपका क्रेडिट साइड का टोटल इज मैचिंग विद डेबिट साइड यस हेंस फोर्थ Henceforth, अब आपका जाके ट्रायल बैलेंस टाइली हो जाएगा क्योंकि आपने सारे के सारे जो भी एरर्स थे वो रेक्टिफाई कर दिए और अब जाके आपका ट्रायल बैलेंस विल टाइली यस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट अगर आप एग्जाम में ये नहीं बना के आते हो इवन दो क्वेश्चन ने आपको डेटा गिवन दिया है किसका एक्सेस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्रेडिट या एक्सेस ऑफ ट्रायल बैलेंस डेबिट ऐसा कुछ डेटा गिवन है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट ठीक है चलो स्क्रीनशॉट लो मैं दो मिनट पानी पी के आता हूं आप स्क्रीन शॉट लो तब तक ये सी यू इन वन मिनट चले आगे राजा बिल्कुल सर आप क्या हो गया सर अब नेक्स्ट टॉपिक है अब देखो बेटा एरर्स कहाँ कहां होते हैं सर एर जर्नल एंट्री पास करते वक्त होते हैं बिल्कुल लेजर पोस्टिंग में एयर्स होते हैं बिल्कुल बट अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है चलो बिफोर भी क्या बोलना अगर ये बिफोर है किसके बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट अगर इन सब के पहले है आपके एरर्स सर बोलना क्या चाहते हो लिख के थोड़ा ये छोटा सा नहीं समझता हमको इतना लिखा हुआ पहली स्क्रीन भरी भरी है चल बात है क्या आपके लिए अलग से लिख देते हैं बस तो इसके बाद स्क्रीन ऐड कर देता हूं इफ देर आर एरर्स एंड यू फाइंड देम मतलब एरर है और आपने फाइंड भी कर दिया फाइन देम एंड रेक्टिफाई देम बिफोर बैलेंस शीट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपके इसमें एरर है और आपने एरर फाइंड कर लिया और एरर आपने रेक्टिफाई कर दिया बिफोर बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग सो इन रेक्टिफिकेशन एंट्री यू में फाइंड सस्पेंस अकाउंट अभी हम देख क्या है कि अगर हम बिफोर करते हैं यू में फाइंड सस्पेंस अकाउंट बट बट जरूरी है क्या कि आपको हमेशा आपका हमेशा आप रेक्टिफाई कर लो बिफोर बैलेंस शीट नहीं सर ऐसा तो नहीं है इफ रेक्टिफिकेशन नोट एवरीवन ये लाइन आपने ध्यान नहीं भी दिया तो चलेगा बट इफ रेक्टिफिकेशन इज डन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट और एंड ऑफ द ईयर अगर आपने बैलेंस शीट के बाद या साल खत्म होने के बाद आप रेक्टिफाई कर रहे हो देन ऑल नॉमिनल अकाउंट रिप्लेस्ड विथ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सर इतना लिखाने से बेटर है कुछ थियरी का पॉइंट बता दो बिल्कुल राजा अगर आपने रेक्टिफिकेशन किया है एग्जाम्पल देता हूं एरर्स थे 2021 में एरर्स कौन से साल में थे 2021 में बट आपने 2021 के एरर्स आपने 2021 के एरर रेक्टिफाई किए 2022 में देन ऑल नॉमिनल अकाउंट्स इन रेक्टिफिकेशन एंट्री देन नॉमिनल अकाउंट इन रेक्टिफिकेशन एंट्री रिप्लेस्ड विथ रिप्लेस्ड विथ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिप्लेस विथ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट समझा राजा अगर आपने दो हजार इक्कीस के एर दो हजार बावीस में रेक्टिफाई किए देन आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा वो नॉमिनल अकाउंट को आपको रिप्लेस करके क्या लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर जो इस पे बेस्ड है टेक अ स्क्रीनशॉट वापस रिपीट कर रहा हूं दो के एयर अगर आपने दो में रेक्टिफाई किए तो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स के जगह आप क्या लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इन योर रेक्टिफिकेशन एंट्री एम आई क्लियर टेल गाइस यस सर रेक्टिफिकेशन एंट्री लो स्क्रीनशॉट ले लिया राजा स्क्रीनशॉट यस सर चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैं वही लिखा हुआ है जो भी है मिस्टर रॉय लास्ट क्वेश्चन है कॉन्सट्रेटेड वॉज टू अग्री ट्रायल बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर ऑफ लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहना से लास्ट ईयर का ट्रायल बैलेंस टाइल ही नहीं हुआ है बट मैं रेक्टिफिकेशन करंट ईयर में कर रहा हूं येस नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अपॉइंटेड अग्जामिन द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड सॉरी वॉज डेबिटेड टू कन्वेस अकाउंट चलो पास करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री सर हुआ क्या है आपने स्कूटर परचेस किया बिल्कुल आपने स्कूटर परचेस किया तो स्कूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए बट आपने डेबिट किसको कर दिया कन्वेयंस को आपने डेबिट किसको कर दिया कन्वेन्स को रेक्टिफाई करने के लिए कन्वियंस डेबिट है रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे कन्वेयंस क्रेडिट दो मिनट ध्यान दो बेटा टू कन्वेयंस अकाउंट कितना तीन हजार और डेबिट किसको कर देंगे कूटर अकाउंट को डेबिट किसको कर देंगे कूटर अकाउंट डेबिट अब ध्यान दो बेटा तीन हजार मैंने आपको क्या कहा था जब भी आप रेक्टिफाई करोगे 2021 का रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर आप बाईस में पास करोगे यस तो सारे के सारे नॉर्मल अकाउंट विल रिप्लेस विद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट तो क्या कन्वेंस नॉर्मल अकाउंट है क्या ये yes. तो ये रिप्लेस होके यहां पे क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सेकेंड चले आगे बिल्कुल सर परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय टेन थाउजेंड परचेज कौन सा है डेबिट डेबिट ओवर है मतलब डेबिट गलती से दस हजार ज्यादा हो गया है रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर देंगे डेबिट को रेक्टिफाई करना है तो क्या करेंगे क्रेडिट तो आप सेकेंड एंट्री में टू परचेज अकाउंट अकाउंट दस हजार अब मेरे को बात बताओ क्या डेबिट साइड कुछ भी है क्या नहीं सर तो मैं क्या यूज कर लूंगा सस्पेंस अकाउंट तो याद रखना पूरे रेक्टिफिकेशन चैप्टर में जहां डेबिट आपका जहां डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट तो आप वो कहां डालते हो सस्पेंस अकाउंट में अब क्या परचेज नॉमिनल अकाउंट है येस yes, सर तो परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट परचेज की जगह क्या लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट चल थर्ड एंट्री पे चलते हैं क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम पी फॉर टू थाउजेंड वॉज एंटर टू सेल्स अकाउंट ये तो कुछ भारी किया है इसने सब कुछ भारी नहीं किया ध्यान दो गर्दन दुख आज क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम पी आपने गुड्स से क्रेडिट परचेस किया है यस yes, सर आपने गुड्स का क्रेडिट परचेस किया है तो एंट्री क्या होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट ये आपकी एंट्री होनी चाहिए करेक्ट वाली बट आपने क्या किया है आपने रॉन्ग एंट्री पास कर दी है चलो रॉन्ग एंट्री बाजू में लिख देते हैं. आपने रॉन्ग एंट्री पास की है आपने इस परचेज को क्या मान लिया है सेल कितने का था एक हजार नहीं दो हजार रुपए का आपने इस परचेज को क्या मान लिया है सेल तो एंट्री क्या होगी पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना दो हजार दो हजार करेक्ट एंट्री वैसी की वैसी रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल करेक्ट एंट्री वैसी की वैसी लॉन्ग एंट्री का रिवर्सल मैं रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल करने जा रहा हूं तो सेल्स डेबिट और टू पी अकाउंट दो हजार दो हजार अब एवरीवन कंसंट्रेट मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या रहेगी मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या रहेगी सर परचेज डेबिट है यस yes. कुछ कट रहा क्या नहीं परचेज अकाउंट डेबिट कितना है टू थाउजेंड उसके बाद सेल्स सेल्स डेबिट है यस सर अकाउंट डेबिट कितना टू थाउजेंड सर पी और पी आपस में नहीं कटेंगे अब नहीं बेटा ये भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है तो टू पी अकाउंट कितना चार हजार अच्छा मेरे को एक बात बताओ क्या परचेज भी नॉमिनल अकाउंट है येस क्या सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट है यस ऑल नॉमिनल अकाउंट्स विल बी रिप्लेस्ड विथ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो कहना है से आपके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा चार हजार रुपए क्योंकि ये भी नॉमिनल है और ये भी नॉमिनल है तो दोनों नॉमिनल एड हो जाएंगे तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट चार हजार रुपए कितना बैलेंस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट चार हजार रुपए सबको समझाना राजा बिल्कुल सर दो हजार सेल का है और दो हजार परचेज का डेबिट है ऐसे मिला के चार हजार रुपए ऐसे मिला के चार हजार रुपए अभी विद यस yes, सर है वही चीज बेटा बस नॉमिनल अकाउंट की जगह मुझे क्या लिखना है बस नॉमिनल अकाउंट की जगह मुझे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यस सर यस चल आगे बढ़ते रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी एस वन थाउजेंड अब हुआ क्या है सर हुआ यह है हमने कर दिया को मिस्टर ए से कैश मिला तो करेक्ट एंट्री क्या है मिस्टर ए डेबिट कैश क्रेडिट बट हमने क्या कर दिया मिस्टर बी को डेबिट कर दिया हमने क्या कर दिया मिस्टर बी को डेबिट कर दिया तो मेरे को बात बताओ क्या कैश अकाउंट सही गया है क्या यस yes, सर क्या कैश अकाउंट सही गया है क्या बिल्कुल सर अब मेरे बात बताओ करना चाहिए था ए को डेबिट करना चाहिए था ए को डेबिट कर चुके हो बी को डेबिट रेक्टिफाई करने के लिए सर अगर आपने बी को डेबिट कर दिया है तो रेक्टिफाई करने के लिए बी को क्या कर दो क्रेडिट टू मिस्टर बी अकाउंट और मिस्टर ए को डेबिट करना चाहिए था यस yes. एक मिनट रिसीप्ट ऑफ कैश एक मिनट रिसीप्ट ऑफ कैश कैश अकाउंट डेबिट E. थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया बेटा एक सेकेंड एंट्री क्या होनी चाहिए थी मैंने एक्चुअली उसको पेमेंट पढ़ लिया था एंट्री होनी चाहिए थी और मिस्टर एक हो क्या गया है? आपने क्रेडिट कर दिया है मिस्टर बी के अकाउंट को आपने क्रेडिट किसको कर दिया है मिस्टर बी के अकाउंट को कहना ऐसे आपने कैश अकाउंट को प्रॉपरली डेबिट किया है बिल्कुल सर तो जहां पे गड़बड़ी नहीं है उसको कोई लेना देना है क्या नहीं सर सर कैश में कोई गड़बड़ी नहीं है तो उसको आप छोड़ दो वो अकाउंट को आप बख्श दो बिल्कुल बेटा बख्श दिया अब गड़बड़ का है बी और ए में आपको करना था ए को क्रेडिट आप कर चुके हो बी को क्रेडिट तो रेक्टिफाई करेंगे तो क्या करेंगे सर हम रेक्टिफाई करने के लिए बी को हम गलती से क्रेडिट कर चुके हैं रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे मिस्टर बी को डेबिट रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे मिस्टर बी अकाउंट को डेबिट और मिस्टर ए को क्रेडिट करना ही था क्या आपने किया क्या नहीं तो क्रेडिट कर दो कितना है? अमाउंट है, कित है हजार मिस्टर बी को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया था रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट मिस्टर ए को क्रेडिट करना ही था तो क्रेडिट कर दो यस यस सर नेक्स्ट एक दो तीन चार पांच रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी एंट्री क्या होनी चाहिए कैश डेबिट सी अकाउंट क्रेडिट कैश डेबिट सी अकाउंट क्रेडिट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ इस अकाउंट एस फाइव हंड्रेड अब हुआ क्या है सर होना चाहिए था होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी पांच सौ पांच सौ क्या जर्नल एंट्री करेक्ट हुई है यस yes, सर जर्नल एंट्री करेक्ट हुई है गड़बड़ कहां हुई है लेजर पोस्टिंग में गड़बड़ हुई है आपने कैश अकाउंट में डेबिट साइड आपने 500 सौ प्रॉपरली लिखा है बट आपने मिस्टर सी के अकाउंट में पांच सौ रुपए कहां लिखना था आपने पांच सौ रुपए कहां लिखने चाहिए थे क्रेडिट साइड में आपने पांच सौ कहां लिखने चाहिए थे क्रेडिट साइड में बट आपने पांच सौ कहां लिख दिया डेबिट साइड में अब मैं बात बताओ रेक्टिफाई करने के लिए क्या सर जो आपने डेबिट कर दिया है सबसे पहले पांच सौ रुपए तो आप क्रेडिट कर दो बिल्कुल और आपको यहां पांच सौ ऑलरेडी चाहिए पांच सौ डेबिट है आपने क्रेडिट किया इसका नेट इफेक्ट इस। इसका नेट इफेक्ट इज इस। जीरो नेट इफेक्ट इज इस। जीरो।, जीरो अब आपको क्या चाहिए सी के क्रेडिट साइड पांच सौ रुपए लेकिन यह करने के वजह से आपका कितना हो गया जीरो तो आपको पांच सौ रुपए और लिखना पड़ेगा तो टोटल कितना लिखना पड़ेगा हजार रुपए तो आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगा मिस्टर सी टू तो मिस्टर सी अकाउंट कितना हजार रुपए डेबिट में किसको लिख दोगे सर कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना हजार रुपए हजार रुपए परफेक्ट यस सर फाइव हंड्रेड ड्यू बाय ड्यू बाय मतलब मुझे पैसा लेना है मिस्टर क्यू हैज बीन ओमिटेड टू बी टेकन इन ट्रायल बैलेंस आपको मिस्टर क्यू से लेना था कैसे मतलब मिस्टर क्यू में कौन सा है डेबिट बैलेंस क्योंकि मैंने कभी मिस्टर क्यू को उधार दिया होगा अभी मुझे मिस्टर क्यू से पैसा लेना है उधार दिया तो डेबिट किसको उधार देता हूं वो इंसान को जिसको मैं गुड्स बेचता हूं या वो इंसान को जिसको मैं पैसे उधार देता हूं मैं क्या जूम करूंगा मिस्टर ए को मैंने गुड्स उधार में दिया है क्या जूम करूंगा गुड्स उधार में दिया है तो उसमें डेबिट है आप डेबिट को ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए लिखना भूल गए तो लिख लो क्या बोल सकते अपन लिखना भूल गए तो लिख लो आप मिस्टर क्यू को ट्रायल ब्रांच के डेबिट साइड लिखना भूल गए तो लिख लो मिस्टर क्यू इन ब्रैकेट डेटर अकाउंट डेबिट कितने से कितने से बेटा अमाउंट कितना है अमाउंट है पांच सौ रुपए अमाउंट है पांच सौ अच्छा क्रेडिट साइड में कुछ है क्या नहीं तो क्या लिख दूंगा टू सस्पेंस अकाउंट क्या लिख दूंगा टू सस्पेंस अकाउंट पांच सौ रुपए परफेक्ट यस सर चले आगे चलते हैं सर सोल्ड गुड्स टू मिस्टर आर फॉर टू थाउजेंड वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड आपने मिस्टर आर को गुड्स बेच दिया उधार में क्या आपने रिकॉर्डिंग किया क्या के? नहीं आप रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए तो रिकॉर्ड कर लो तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी मिस्टर आर अकाउंट डेबिट इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी सर रिकॉर्ड ही नहीं किया तो मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना है ऑब्जर्व करो कितना है सर दो हजार रुपए आपका अमाउंट कितना है दो हजार रुपए अब क्या सेल्स एक नॉर्मल अकाउंट है यस सर सेल्स एक नॉर्मल अकाउंट है तो सारे के सारे नॉर्मल अकाउंट्स में क्या लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यस सर यस बेटा परफेक्ट यस चलते हैं और क्या बचा आपका अमाउंट ऑफ टू थ्री नाइन फाइव ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज टू फाइव नाइन थ्री अब परचेज में पोस्टिंग जर्नल एंट्री में डेबिट है तो लेजर तो, में, तो में भी डेबिट है आपको कितना लिखना था टू थ्री नाइन फाइव डेबिट बार बार थैंक यू क्यों भगाना चाह रहे हो क्या भाई Third. परचेज अकाउंट के डेबिट साइड लिखना कितना था टू थ्री नाइन फाइव लिखना कितना था टू थ्री नाइन फाइव बड़ा आपने डेबिट साइड लिख कितना दिया टू फाइव नाइन थ्री कितना लिख दिया टू फाइव नाइन थ्री टू थ्री नाइन फाइव लिखना था टू थ्री नाइन फाइव लिखना था क्या लिख दिया टू फाइव नाइन थ्री टू थ्री नाइन फाइव टू फाइव नाइन थ्री यस तो कहना है इसे आपने ज्यादा डेबिट लिख दिया यस yes. तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर देंगे क्रेडिट अब कितने से क्रेडिट करेंगे कैलकुलेटर कहा गया मेरा ये रहा कितने से क्रेडिट करेंगे सर लिखना था टू थ्री नाइन फाइव बट लिख दिया टू फाइव नाइन थ्री टू थ्री नाइन फाइव लिखना था लिख कितना दिया टू फाइव नाइन थ्री डिफरेंस इज वन नाइनटी एट हम क्या करेंगे वन नाइनटी एट क्रेडिट लिख देंगे वन नाइनटी एट क्रेडिट लिख देंगे तो इसका नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा टू थ्री नाइन फाइव कितना इफेक्ट आ जाएगा टू थ्री नाइन फाइव चेक कर लेते हैं टू फाइव नाइन थ्री माइनस वन नाइनटी एट टू थ्री नाइन फाइव तो बात बताओ आपने परचेज अकाउंट को क्या किया है क्रेडिट किया है यस yes, सर अब परचेस कौन सा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट परचेज कौन सा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट तो कहना है से टू परचेज अकाउंट कितना है वन नाइनटी एट और डेबिट में किसका लिख दोगे सर कुछ भी नहीं है तो क्या लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट कुछ भी नहीं है तो क्या लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट वन नाइनटी एट एम ए परफेक्ट परफेक्टर अब परचेज कौन से टाइप का अकाउंट है नॉमिनल तो यहां पे रिप्लेस होके क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एम ए क्लियर क्लिटलर नाउ यस गाइस एम ए क्लियर यस. लास्ट हो मिस्टर रॉय टेन परसेंट डेप्रीसिएशन ऑन वहीकल अब जो वहीकल है स्कूटर क्योंकि वो कन्वेयंस के अंदर चले गई थी तो उस पर डेप्रीसिएशन लगाया गया क्या नहीं अब क्योंकि मैंने रेक्टिफाई कर रहा हूं मैं स्कूटर को वापस मैं स्कूटर को वापस कहां लेके आ रहा हूं बैलेंस शीट में तो कहना है ऐसे मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा जो डेप्रिसिएशन आपने पहले लगाया नहीं अब वो लगाना पड़ेगा सर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या रहती है मैं सिखा चुका हूं बट स्टिल सिखा रहा हूं सर डेप्रिसिएशन की एंट्री रहती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर कितना सर तीन हजार का दस परसेंट दैट इज तीन सौ रुपए और डेप्रिसिएशन कौन से टाइप का अकाउंट है नॉमिनल तो डेप्रिसिएशन की जगह क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट परफेक्ट यस एम एर बिल्कुल सर चलो टेक अ ऑफ दिस एक करके लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट लो ले लिया बेटा यस सर इसका स्क्रीनशॉट लो आप डन यस सर इसका लो डन यस yes, सर पक्का यस सर तो लास्ट टॉपिक जो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं इतना होमवर्क एक्सपेक्ट कर सकता हूं यस yes. और इस होमवर्क का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इस होमवर्क का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे यस फॉर श्योर बिल्कुल सर अब यहां पे आपको क्या क्या दिख रहा है सर हमें दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड हमें दिख रहा है सस्पेंस अकाउंट अब आप ये दोनों अकाउंट बनाओगे इन दोनों अकाउंट में आप क्या करोगे लेजर पोस्टिंग इन दोनों अकाउंट में आप क्या करोगे लेजर पोस्टिंग और इन दोनों अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में परफेक्ट यस सर याद रखना जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ रहा है तो आपका सीधा सीधा काम है सस्पेंस अकाउंट आ रहा है सीधा काम है आपने सस्पेंस अकाउंट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और उनमें अगर कुछ भी बैलेंस बचा हुआ है वो कहां पे ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी नफा नुकसान जो भी हिसाब किताब है वो कौन बेर करता है कैपिटल तो याद रखना इन शॉर्ट बैलेंस ऑफ Profit and loss adjustment account and suspense account are, account are transferred to capital account. Are transferred to capital account. Yes, yes, sir. That's all for the day, guys. See ya bye bye, take care. Hope I've served the purpose and hope I've did the justice to the chapter. That's all for the day, guys. See ya bye bye. Take care. This is Sirishabora. Signing off.